नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं। पहली हमारी एक छोटी सी जानकारी है कि जैसे कि हमारे बहुत सारे भाई मुझे कॉल करके पूछते हैं कि भैया ये बताइए मुझे 28 को आना है, क्या करना है, 27 को आना है, क्या करना है। इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बना करके डाल दिया था, लेकिन अभी तक फिलहाल उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसमें मैंने कहा था कि भैया अगर 28 डेट कंफर्म है तो आप वीडियो बना करके भेजिए हमें, तो मैं चैनल पे डालूं। क्योंकि मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं कहूंगा कि एंड टाइम पे अगर आप धोखा दे दें तो मेरी बेइज्जती ना हो। तो भैया मैं यहाँ पर सीधे तौर पे एक चीज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि देखिए बहुत से लोगों की शिकायत आ चुकी है कि भाई वो फोन नहीं उठा रहे हैं, या आप लोग अगर मान लो हम अभी कह भी दें आप लोग पहुंच जाओ और किसी कारण बस अगर मान लो वहां लोग ना हुए तो फिर आप हमें गाली दोगे। इसलिए मैं अपने मुंह से तो नहीं कहूंगा 28 तारीख को आपको आना है कि 27 को आना है। मैं बस ये जरूर कहूंगा कि अगर आपको रिस्पांस मिलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ जाएंगे तो वहाँ लोग मिलेंगे तो आप आओ, नहीं मैं मतलब अपनी खुद की जिम्मेदारी पर मैं जिम्मेदारी इसमें नहीं ले पाऊंगा भाई। क्योंकि देखिए अभी मैं अगर आगे उलट करके कोई डेट निर्धारित कर दूंगा तो उसमें क्या होगा, लोग कहेंगे कि अनु त्रिपाठी तो नेता बना जा रहा। फिलहाल हम तो नेतागिरी नहीं चमकाते, जिसको नेता बनना वो बने, क्योंकि मेरे पास खुद ही इतना वक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 28 को या 27 को आओ। वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि बहुत लोग फोन कर रहे हैं ना, बहुत समस्याएं होती हैं, तो कम से कम कुछ जानकारी पहुंचे। आप अपने रिस्क पे आइए, अगर आपको लगता है कि लोग आएंगे तो आइए, अगर आपको लगता है कि लोग जा रहे हैं तो आइए। क्या हुआ था पिछली बार भी यही हुआ था कि बहुत से लोग आ गए थे लखनऊ पर लोग नहीं मिले, तो बहुत ऐसे ज्यादा बहुत दिक्कत हो गई थी। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये सिस्टम हो। चलिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम ये कर लेते हैं कि देखिए भैया एक चीज बता दूं आपको, अगर एक सच्चा और ईमानदार अगर नेतृत्व कर रहा है कोई व्यक्ति, एक्स वाई जेड कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं वो हित के बारे में सोचेगा। और मैं अपना एक छोटा सा सुझाव दे रहा हूँ, एक सलाह दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि मेरा काम है सलाह देना और सुझाव देना, आप मानोगे तो हरहर महादेव, नहीं मानोगे तो आपकी अपनी मर्जी। बाद में ये ना कह सको कि यार अनु भैया आपने तो कहा था ऐसा होना था, हुआ क्यों नहीं। अरे भैया जब सिस्टम से कोई काम ही नहीं करोगे तो कहाँ से होगा भाई। मैं क्या चिल्ला चिल्ला के मरा जा रहा हूँ, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, खासकर आप लोगों के नेता तो सुनते ही नहीं। अनु त्रिपाठी की तो बात कभी जीवन में नहीं सुन सकते, अगर हमने ये कहा ना ये काम करना है तो वो नहीं करेंगे। अब या तो हम करें या तो आप लोग करिए, दो में से एक ही आदमी काम कर सकता है। तो देखिए भैया विधानसभा दुनिया में तो जाने से पहले मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि जहां से आपको वेतन प्राप्त होता है सचिव सचिवालय से, क्योंकि मेन मुख्य आपके लिए वही है जगह, तो वहां पर मेरे हिसाब से मैं जो माइंड रीडिंग कर रहा हूं मुझे समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से जो भी आपके इसमें नेता नेतृत्व कर रहे हैं उनको सचिवालय में जाना चाहिए ना कि विधानसभा। ये मेरी सलाह है और सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा की अब आपको क्या करना है, वहां जाकर अपनी बात कहनी चाहिए। क्योंकि देखिए विधानसभा में जाओगे तो चार पुलिस वाले होंगे, लठ मार सकते हैं भैया, क्योंकि 144 लगी हुई है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भैया अगर सचिवालय जाएंगे तो वहां पर अपनी बात रखेंगे कि भैया हमारा जो पुराना बजट था वो पेश नहीं हुआ, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग बड़ी परेशान, अपनी समस्या को बताइए, तो वहां पर जरूर आपकी सुनाई तो होगी, लेकिन सुनाई हो लेकिन लिखा पढ़ी के साथ हो, ये भी आपको ध्यान देना। क्योंकि नेतृत्व करना अच्छा उसी को कहते हैं जो वाकई जिम्मेदारी से लौटे, और अगर इस तरह से लौटते हो तो मैं पूरा सम्मान करूंगा आपका, और उम्मीद भी करता हूं कि आप ऐसा करेंगे भी और मेहनत भी करेंगे। जो भी नेतृत्व कर रहे हैं वो लोग मेहनत जरूर करें, क्योंकि संघर्ष ही हमारा जीवन है, हम संघर्ष करेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन ये राजनीति मत करिए, क्योंकि मैं पिछली बार धरना में देख रहा था राजनीति हो रही थी, कोई कह रहा था आधार कार्ड सब लोग जमा करो, नाम लिखवाओ अपने अपने, मतलब संगठनबाजी स्टार्ट कर दी, मतलब धरना प्रदर्शन के नाम से बुलाया, उसके बाद संगठनबाजी होने लगी अलग अलग। तो ये सब मत करिए, तमाशा करते हो, इस तमाशे की वजह से तो कुछ हो नहीं रहा भाई। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है। बाकी आपकी इच्छा की, आपको क्या करना, ये मेरा सुझाव कैसा लगा ये जरूर कमेंट कर देना। और क्या लगता है, वीडियो शेयर करना, अपना प्यार भरा कमेंट करना, इच्छा तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और बाकी बस आप अपने मर्जी के खुद के मालिक हैं मेरे भाई, क्योंकि मैं कोई ऐसा सुझाव नहीं दूंगा जिससे आपको क्षति पहुंचे और आपको तकलीफ हो और आपका पैसा फर्जी जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।